Hey guys, Assalamualaikum, आदाब सत श्री अकाल, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू नबील अफरीदी व्लॉग्स। या आई एम इन माय मदर्स किंगडम, द प्लेस इज कॉल्ड किचन। कॉफी पीने का दिल बोला तो कॉफी बना ले रहा हूँ। तो कॉफी बनाने के लिए आपको पहले चाहिए एक कप, हमने ले लिया कॉफी पाउडर, इसके साथ 3 चम्मच शक्कर बिकॉज आई लाइक स्वीट, 1 चम्मच पानी, इसको इतना हिलाओ कि इसका कलर ही बदल जाना। तो हमारी ये रही गर्मा गर्म कॉफी। बार हम लोग थर्सडे या फ्राइडे वरंगल डायरीज की शूट करते, फिर मैं सैटरडे एडिट करता हूँ, उसके बाद संडे अपलोड करता हूँ वीडियो, उसके बाद फ्री हो जाता हूँ कौन से वरंगल डायरीज के काम से, बट फ्री नहीं होता मैं। वरंगल डायरीज का वीडियो अपलोड होते ही एक आधा घंटा आई रेस्ट, फिर उसके बाद में व्लॉग्स की टेंशन शुरू हो जाती। ये वेडनेसडे आ रहा, व्लॉग बनाना है, क्या बनाऊं। मैं कमेंट्स पढ़े तो उसमें कोई चिच्चा लिखे कि उनको मेरा वॉच कलेक्शन देखना है और शेड्स कलेक्शन देखना है। ठीक है, दिखा देंगे। वॉचेस तो मेरे पास उतने ज्यादा कुछ है नहीं, 2-3 सेलेक्टिव वॉचेस है, वो ही स्पेंड तो मैं वो चीज छोड़ के, शेड्स तो मेरे पास बहुत है, एक से एक एंटीक, वो चीजें छोड़ के आज के व्लॉग में मैं क्या सोच रहा था, अपन ना एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। मैं मेरे बारे में बोलता हूँ, आप लोग के बारे में बोलो कमेंट्स में। तो बट क्या बोलूं मैं, वो समझ नहीं आ रहा था, बस कैमरा ऑन कर लिया, लाइट लगा लिया, बैठ गया। ये व्लॉग में बस मेरे को बात करना है, तो हम लोग बात करेंगे, और जो भी लोगों को मेरे से बात करना है, जिसको मेरे बात सुनना है, बस उन लोगों से रहो। अगर आप लोगों को मैं पसंद नहीं आ रहा तो चल जाओ, ये डिसलाइक मार के नीचे नेगेटिव कमेंट्स नक्को मारो, चल जाओ। लेट्स बिगिन। मेरे ये पिंपल को थोड़ा इग्नोर करो, अपनी स्किन की अच्छे से केयर नहीं लेता, लॉकडाउन है, घर पे बैठे जो बोले वो खा ले रहा हूँ। तो ये जो मैं पहन के रखा अभी, ये आई वॉच 5 सीरीज है, जो कि मेरी सबसे फेवरेट है। यू कैन नोटिस मी वेयरिंग दिस वॉच एवरीवेयर, साइकिल चलाते खुद, जिम को जाते खुद, कभी कभी ये पहन के सो जाता हूँ। तो ये वॉच 52,000 रुपीज की है, मैं आई स्टोर से खरीदा। मेरी सेकेंड फेवरेट वॉच जो है क्लीन, बल्कि ये रशिया की कांके की कंपनी है, आई एम नॉट श्योर, इंस्टाग्राम पे स्वाइप अप आया था, वहाँ पे देखा मैं, बहुत पसंद आई मेरे को ये वॉच। फॉर्मल्स पहने, सूट वूट कुछ पहने तो आई विल वेयर दिस। ये वॉच जो है 7,000 रुपीज की है, करीब 7,500-7,400, आई एम नॉट श्योर, बट मैं इसको पाउंड्स में पे करा। ये वॉच मैं जो है थाईलैंड से खरीदा, ये भी ऑटोमेटिक वॉच है, ये मैं इंडिया के 8,000 रुपए में खरीदा, 3,500 थाई भाट्स, बैंकॉक में अरबी स्ट्रीट बोल के एक जगह है, तो वहां से लिया मैं। आई हैव बैग फुल ऑफ शेड्स, सो आई प्रेजेंट यू डियोर वाला। ओ माय गॉड, ये हम लोग अभी देखेंगे, द बिगेस्ट, द लार्ज, ये लो। हाँ, ये वाला इरफान भाई हमारे बैंकॉक गए जब लाए थे, टाइप्स ऑफ फोटोग्राफर्स वीडियो में पहले पहन के आता ऐसा। ये वाला वो अर्जुन रेड्डी में पहनता देखे, सेम वैसी है बट थोड़ा अलग है। येलो, ऐसा फेंक रहा गया इन डब्बे, इसको मस्ती खूब हो गई, इसका चश्मे बहुत है, समझ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी एलवी का है, ये डीजे स्नेक पहनता। आओ मैं डीजे प्ले करने, हाँ या या या। ए, चिट्टी चिट्टी रोबो, ये अमेजोन से लिया मैं, इसको यहाँ पे ईयरफोन्स आते हैं और ब्लूटूथ ऑन कर लेना, अपने पीछे कोई भी अपने को एस्कॉर्ट दे रहे तो मस्त खाली ना लगा लेके ऐसा हेलो हेलो या आई एम कमिंग वमिंग बोल लेते रख ले सकते इसको, इसमें ब्लूटूथ है। तो ये चश्मा मैं 2019 यूट्यूब फैनफेस्ट पे पहना था, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग फैनफेस्ट पे आए हमारी वो चीर करें, बहुत बहुत शुक्रिया। चिट्टी चिट्टी रोबो का नहीं है बट देन ये पहन लिया तो पूरे साइड्स कवर होते हैं और रोबो के जैसे दिख रहे थे। ये वाला मैं शायद शीन से लिया, इमरान खान जो सिंगर है वो साहब पहनते हैं ऐसे शेप वाले। तो ये है चश्मा बर्बेरी का, क्रिकेटर्स पहनते देखो। ओ विराट कोहली थोड़ा पीछे हटो, पीछे हम कैप्टन है आज। हाँ सही है माशाल्लाह। हाँ अच्छा दिख रहा हूँ मैं, कोई मालूम। ये चश्मा मैं कूफ से लिया, पागल बनाया, कभी ये खिलाया कभी कभी वो खिलाया, कई बार मेरे हाथ में बड़ा सा बिल आया, मैंने ये सब किया। लास्ट चश्मा है लुई विटॉन वाला, खत्म मेरा शेड्स का कलेक्शन। आज मेरे इंस्टाग्राम पे
100K फॉलोअर्स हो गए. थैंक यू सो मच आप लोग की सपोर्ट की वजह से. एंड जो भी मैंने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और हमारी जो भी ऑडियंस ये वीडियो देख रही, बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, जाओ फॉलो करो. टर्न ऑन द पोस्ट लाइव एंड स्टोरी नोटिफिकेशन, तो मैं जब भी कुछ पोस्ट करूँ या लाइव आऊँ या स्टोरी डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता. आई कांट टेल यू गाइज हाउ इम्पॉर्टेंट यू पीपल आर टू मी. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स टच करे वरंगल डायरीज के चैनल पे, और मेरी इंस्टाग्राम हैंडल पे 100K 1 मिलियन आप लोग है तो मैं हूँ. टू बी ऑनेस्ट लेट इट बी ऑन वरंगल डायरीज माई व्लॉगिंग चैनल. करीब करीब पिछले 4-5 महीनों से तो आई एम नॉट मीटिंग माई फ्रेंड्स, मतलब पहले हम लोग रोज मिलते करते थे फिरते थे, बट देन अभी कोई भी मिल रहे नहीं तो सब लोग सबके घरों में रह रहे. ऑफकोर्स दिस कोविड थिंग केम एंड डिस्टर्ब एवरीवन्स एवरी प्लान एवरीवन्स करियर. मैं तो बस इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ फोटोज, ये वो कैप्शंस डाल रहा हूँ, कैप्शंस अच्छे से लिख के मोटिवेट कर रहा हूँ ऑडियंस को. आई एम वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ मोटिवेटेड गाय, और मैं संदीप महेश्वरी गौर गोपाल दास लोग के वीडियोज देख के करके बहुत कुछ सीखा. एंड आई लव हेल्पिंग पीपल विथ my solutions which comes from my invisible world. वो invisible world में मैं सिर्फ अकेला रहता हूँ जहाँ पे हर चीज मेरे तरीके में सोचता हूँ. बहुत दिनों बाद वैक्स लगाया मैं, बिकॉज वैक्स लगाए तो बालान झड़ जाते. बस ओकेशनल डेज में जैसे आप कहीं भी जा रहे 2 महीने में 1 बार या 1 महीने में 1 बार लगा सकते, और हेयर ड्राई भी ज्यादा करना नहीं बाला. थोड़े लोगों को वो जीन्स की वजह से बहुत बाला आते तो लोग हेयर ड्राई करो या हेयर को वैक्स लगाओ कलर करो कुछ भी करो चलता, बट थोड़े लोगों को बाला एयरपोर्ट बन जाता सर पे. आप लोगों में से थोड़े लोग कभी कभी इतने बड़े बड़े पॉजिटिव मैसेजेस भेजते मेरे को. टू बी ऑनेस्ट मैं वैसे लोगों को रिप्लाई करता हूँ. जो जो भी लोग पॉजिटिव मैसेजेस दे के मेरे को पॉजिटिव साइड दिखा के, अगर मैं कुछ गलत भी डाल दिया स्टोरी पे तो ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा है, बल्कि जो भी लोग बोलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया. करेज, करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनकरेज करो सब लोगों को, ना कि मेरे को बट दूसरे जो भी टैलेंटेड लोग हैं उन लोगों को एनकरेज करो. टांग वांग पकड़ के खींचो मत. और अभी मैं जाके फोटो उतर लेता हूँ. कैमरा बनाने जब गए थे, जब एक बात बोला मैं व्लॉग में कि अगर आप लोग 20,000 लाइक्स करेंगे तो मैं आप लोग को एक सरप्राइज दूंगा बोल के. अब उस पे 20,000 लाइक्स तो आए नहीं, आप लोग करने वालों में से नहीं है. बट इवन तो मैं सरप्राइज आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो सरप्राइज ये है कि मेरा एक म्यूजिक वीडियो आ रहा जो कि बहुत 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 अच्छा है. मेरा म्यूजिक वीडियो बोलते कि आप लोग मैं गालियों हूंगा, मैं गाना बना के, मैं गाना गा के वीडियो बना के डाल रहूंगा समझेंगे, ऐसा नहीं है. दिस इज समथिंग वेरी बिग. इसको पैन इंडिया प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं. सबसे पहले गोल्डन हैदराबाद इसके नियामत भाई उन्होंने लिखे सो गाना है, वो थोड़ा पुराने वर्जन में था, उसको मैं उनके पास से लिया, लेके पवन बोल के मेरा एक दोस्त है बेंगलोर में उसको दिया, तो फिर उन्हें राजी बोल के उसका एक दोस्त है उसके साथ काम करके वो गाने को थोड़ा मॉडर्न बनाया. एंड दैट सॉन्ग साउंडेड वेरी गुड. तो वो गाना सुनने के बाद आई फेल्ट लाइक इस पे थोड़ा इन्वेस्ट करके अच्छा बना के रिलीज करेंगे समझा. इसका वीडियो डायरेक्टर एंड सिनेमाटोग्राफर त्रिलोक है. इसके ऊपर करीब करीब मैं जनवरी में बैंकॉक जाके आया था न्यू ईयर पे, उसके बाद से हम लोग प्री प्रोडक्शन पे काम कर रहे थे. करीब करीब 25 दिन हम लोग इसके ऊपर बैठे, कौन सा शॉट कैसा लेंगे, स्टोरीज को कैसा करेंगे, सोच सोच के आइडिया शेयर कर लेते हुए हम लोग एट लास्ट एक आइडिया पे आए. उसके बाद में डिसाइड करे कि हम लोग ना प्रेजेंट को एक जगह शूट करेंगे और पास्ट को एक जगह शूट करेंगे. तो शूट करे, गाना बना, इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, तो वो गाना आप लोग रिलीज होने के बाद देखो. उसके बाद अपन कोई भी ब्लॉग में इसके बारे में और डीप डिस्कशन करेंगे. तो वो चीज छोड़ के पवन कुमार ही मेक सच अ ब्रिलियंट म्यूजिक भाई, आई एम वेरी इंप्रेस्ड. पवन का फ्रेंड है अनुराग कुलकर्णी. अनुराग कुलकर्णी इज अ फेमस सिंगर इन टॉलीवुड, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाया. पिल्ला राव, आशा पाशम बोल के गाना रहता, रामुलो रामुला बोल के वो भी गाना वो इस बंदा गाया था. हम लोग ये प्रोजेक्ट पे बड़े कैमरास यूज करे. दिस म्यूजिक वीडियो इज कलर ग्रेडेड बाय द सेम पर्सन हु कलर ग्रेडेड द फिल्म कॉल्ड साहो. वो बंदे के साथ काम करके बहुत अच्छा दिखा एंड ही इज फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम. आई रियली फील प्राउड बिकॉज उतनी बड़ी फिल्म को कलर ग्रेड करके वो बंदा स्टिल ही टॉक्स वेरी गुड टू मी. ही इज वेरी लॉयल, डाउन टू अर्थ. आई वॉन्ट टू टेक हिज नेम वॉल्टर कैविटो. वो बंदा इटली से है. लॉकडाउन के बीच में भी जब इटली बहुत खराब हालत में था तब वो बंदा हम लोग को पूरा सॉन्ग कलग्रेड करके दिया. तो उसके बाद में अनुराग कुलकर्णी वो बंदा गाया भाई गाना हमारे लिए, बिकॉज हम लोग बहुत अच्छा शूट करे इसको, यहाँ वहाँ कलग्रेडिंग भी बहुत अच्छी जगह कराए. तो इसके वजह से अनुराग कुलकर्णी जो भी है गा के हमारे को भेजा. गाना पूरा हो गया, बन गया, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आया. बट उतने में अनुराग कुलकर्णी एक कंपनी उसको साइन कर ली, तो फिर 2-3 दिन टेंशन शुरू हो गया. अब इतनी मेहनत करके हम लोग इतना अच्छा म्यूजिक वीडियो बनाए. स्टार प्लस पे 2019 वॉइस प्रोग्राम के जो भी रनर अप है अदनान अहमद फ्रॉम बॉम्बे, वो बंदे का कॉन्टैक्ट
मिला, बात करा, बहुत अच्छा बंदा है भाई। जब का जब मैं बोलते कि करीब करीब एक हफ्ते के अंदर अंदर गा के वोकल्स दे दिया बंदा, फिर उसके बाद म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग हो गई और उसके बाद प्रोडक्ट बाहर आया। अभी लेबल्स को अप्रोच हुए हम लोग, लेबल्स के साथ नहीं जाके हम लोग वरंगल डायरीज पे चाहिए रिलीज करेंगे सोच रहे, बट वॉट ऑल आई नीड इज योर सपोर्ट। आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे को, ताहे दिल से, सच्चे दिल से। अब तक मेरी जिंदगी में नहीं करा होगा उतनी मेहनत करा भाई। 24 घंटों में 3-3 घंटे मैं सोता था। ये प्रोजेक्ट की जब शूटिंग होती मैं ऐसा सांस छोड़ देता हूँ शायद पलंग पे, समझ रहे, वैसा दिख रहा था लिटरली। फिर भी मैं सुबह में उठ के गाने लगा लेके, 2 तेलुगु गाने थे आइटम सॉन्ग, वो मतलब अच्छे गाने नहीं थे बट खराब गाने थे, बट सुनते की हंसी आती थी। रोज सुबह में उठते थे साथ में निहारिका, ईशान, प्रवीण, शर्जील भैया, सब लोग मिल के गए हम लोग शूट पे। डेट हम लोग डिसाइड कर रहे हैं अभी, बट जब भी आएगा एक 3-4 हफ्तों के अंदर अंदर आएगा, जब भी आएगा प्रॉमिस मी दैट कि आप लोग सब लोग शेयर करते ये वीडियो, आप लोग इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे, व्हाट्सएप पे इधर उधर दिखा दो जितना भी प्यार दिखाना है। दैट वुड बी अ ह्यूज फेवर फ्रॉम यू टू मी। दैट्स इट गाइस, बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। सो स्टे एक्साइटेड, इट्स रियली अमेजिंग। भैया अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? बच्चे चिल्ला रहे हैं फहीम भाई के घर पे, नबील वाह नबील भैया, तो वो इस देखना पड़ा, 2-3 बार चिल्ला लिए। मेक श्योर यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताओ व्लॉग कैसा दिखा, कि शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलो। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो एंड टर्न ऑन दैट बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम वरंगल डायरीज। वाओ आदत हो गई। टर्न ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम नबील अफरीदी व्लॉग्स। दुआ में याद रखो, घर पे ही रहो, सेफ रहो। अल्लाह हाफिज़।